दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए स्वास्थ्य ज्ञान एंड हेल्थ जीवन को, बेल का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलेगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए कुछ रोचक जानकारी मैं लेके आया हूँ दोस्तों। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं और बचपन से सुनते आए हैं, दूध पीना हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। दूध से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें कुछ और चीज़ें डाल के हम अपनी हड्डियों के साथ अपने मस्तिष्क को भी तेज कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारी सेहत के लिए दूध बेहद ही गुणकारी होता है। इसमें कई चीज़ें मिलाकर पिया जाए तो इसकी बात और कुछ और हो जाएगी दोस्तों। दूध पीना स्वास्थ्य के लिए हमेशा से अच्छा रहा है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि गर्म दूध पीना चाहिए या ठंडा दूध पीना चाहिए, या सुबह दूध पीना चाहिए या शाम को दूध पीना चाहिए। सबकी अलग अलग माननाएँ रहती है कि कब दूध पीना चाहिए, दूध पीते वक्त आदमी किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और दूध के अंदर क्या क्या डालना चाहिए। तो दोस्तों आज हम उन सभी चीज़ों की बात करेंगे, उसके लिए पूरे वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों अधिकांश लोग रात में सोते वक्त दूध पीते हैं। उसका एक मुख्य कारण ये होता है कि लोग दिन भर थके रहते हैं और दूध पीने से, गर्म दूध पीने से उन्हें लगता है कि उनकी थकान उतर जाएगी। ये कई हद तक सही भी होता है, लेकिन पूरा सही नहीं होता है। अगर जो व्यक्ति डायबिटीज़ या इसके अलावा कोई अन्य बीमारी का से ग्रसित रहता है तो उन्हें रात में दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों? दूध के अंदर अपने आप में ही ग्लूकोज की मात्रा होती है जो कहीं ना कहीं आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। कुछ लोग इसे दूध को पी सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ और चीज़ डाल दी जाए तो और यह पौष्टिक और फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हल्दी की। गर्मी के दिनों या ठंड का दिन हो, कभी भी आप दूध के अंदर हल्दी का प्रयोग करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। गर्भवती महिलाएं इसे सेवन ना करें, लेकिन जो महिलाएं पीरियड समय पर नहीं आता है तो उसके लिए दूध के अंदर हल्दी का सेवन कर सकते हैं। दूध में हल्दी का सेवन करने से आपकी स्किन ग्लो करती है, क्योंकि टर्मरिक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें विटामिन होते हैं जो आपके चेहरे स्किन के लिए अच्छा होता है। दूध के अंदर हल्दी डालने से कहीं ना कहीं आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको याददाश्त तेज करनी है तो उसके अंदर डार्क चॉकलेट मिक्स कर सकते हैं दोस्तों। अच्छी याददाश्त के साथ आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें हल्दी डाल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अच्छी याददाश्त के साथ आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप डार्क चॉकलेट डाल सकते हैं। कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए भी दूध का सेवन करते हैं। आपने सुना होगा कुछ एथलीट 3 से 4 लीटर या 5 लीटर तक दूध पी जाते हैं। वो कैपेसिटी एक साथ नहीं आती, धीरे धीरे उत्पन्न होती है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो इसमें दालचीनी का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस दूध में एक सीनी हाइड्रेट करके एक मौजूद होता है जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है दोस्तों। काली मिर्ची व दूध का सेवन करने से न केवल आपकी हड्डियां मजबूत होती है बल्कि मोटापा भी नियंत्रित होता है दोस्तों। अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको दूध में शहद मिलाकर पीजिए, क्योंकि शहद वाले दूध में प्रोटीन के साथ ऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों। अगर आपका स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो दूध के अंदर खजूर डालकर पीना शुरू कर दीजिए, कि खजूर वाले दूध में मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा क्या आप दिल के रोगों से बचना चाहते हैं तो आपको बादाम वाला दूध पीना शुरू करना चाहिए, क्योंकि बादाम वाले दूध में न केवल ब्लड प्रेशर को कम करता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है।
आप अपने शरीर को भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप इसमें खसखस वाला दूध का प्रयोग कीजिए, क्योंकि खसखस वाला दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो शरीर को मजबूत करता है और मोटापे को संतुलित करने में आपको बहुत मदद करता है। दोस्तों दूध तो हमें पीना चाहिए और उसके लिए हमें अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके हम उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी यही आशा है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए और प्रयोग में लाइए। हमें कमेंट्स बताइए अगर आपको कोई इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो हम बिल्कुल आपका जानकारी देने के लिए तत्पर हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।